नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं बड़ी खबर की ओर, जो आ रही है कुशीनगर से, जहां मादक पदार्थ के बिक्री एवं परिवहन के प्रति कुशीनगर पुलिस अभियान चलाकर कार्रवाई करने का भले ही दावा कर रही हो, लेकिन इसका असर तुर्क पट्टी थाना क्षेत्र में देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ तो बिना लाइसेंस के ही अवैध रूप से गांजा की बिक्री जोरों पर चल रहा है और पुलिस के जिम्मेदार सिपाही महीने की बधाई रकम लेकर चुप्पी साधे हुए और क्षेत्र के चौक चौराहों पर इन चुनिंदा सिपाहियों के सह पर गांजा जैसे मादक पदार्थों की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। एसपी कुशीनगर के निर्देश पर जिले में मादक पदार्थों के बिक्री एवं परिवहन के खिलाफ कार्रवाई किया जा रहा है, लेकिन तुर्क पट्टी पुलिस एसपी के इस आदेश को दरकिनार कर थाना क्षेत्र के सिपाही तड़वा, भमनौली, बरवा, राजपाकड़ आधा दर्जन जगहों पर अवैध रूप से गांजा की बिक्री जोरों पर चल रहा है और क्षेत्र के चर्चित सिपाही महीने की बधी बधाई रकम लेकर इन अवैध कारोबारियों को सह दे रहे। एक गांजा विक्रेता ने बताया कि 3000 रुपया एक सिपाही को देकर गांजा बेचता हूँ। इस अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस के उच्च अधिकारियों से शिकायत भी किया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।